मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रजभूषण पंडित के सौजन्य से मैं सिद्धार्थ के लिए एक काल संतोष की पूजा का आयोजन करवाया है। सिद्धार्थ के बारहवें भाव में राहु और छठे भाव में केतु है, जिसलिए आंशिक काल संतोष बन रहा है और इसके ऊपर आने वाले समय में राहु में शुक्र की स्थिति बन रही है और इस बच्चे के ऊपर काल संतोष है। ये पूजा जो हो रही है काल संतोष के निमित्त पूजा हो रही है, जिससे इस बच्चे को आने वाले समय में कोई विघ्न बाधा कष्ट ना पड़े, राहु से मुक्ति हो। राहु के निमित्त हम इनके जाप भी करवाए जा रहे हैं जो 85,000 जाप हैं। तो यदि किसी को भी पूजा से संबंधित कोई कार्य करवाना होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम ये कार्य भी कर सकते हैं। आप इस बच्चे का विधि विधान से काल संतोष हो रहा है। अब पंडित जी अपना विचार दीजिए काल संतोष की पूजा आपकी। मेरा आपसे निवेदन है पंडित जी कि आप इसकी पूजा को इतने अच्छे ढंग से करें कि इस बच्चे पे आने वाला कोई भी कष्ट है वो उससे मुक्ति पाए और बच्चा जीवन में सफल हो। और हम जब किसी का भला करते हैं वो व्यक्ति हमारा भला करे ना करे, लेकिन भला करने वाला संसार में कोई और होता है, हम उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं ना कि किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। व्यक्ति इंसान को भूल सकता है लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलता। उसकी झोली में हमेशा गरीबों की और ईमानदार व्यक्तियों के लिए पूजा होती है, तो भगवान उन्हीं की पूजा करता है जो ईमानदारी से करता है। तो मैं आप चाहूँगा कि आप ईमानदारी से राहु केतु का विधि विधान से पूजन करें। आप चाहूँगा।